षोडश संस्कार के क्रम में आज हम सात नंबर का संस्कार जिसे कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार, उसके विषय में आज हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। हमारे वैदिक इतिहास में संस्कारों की बहुत महिमा बताई गई है। अन्नप्राशन संस्कार एक बहुत महत्वता दर्शाता है। अन्नप्राशन का मतलब है जो बच्चा अपने माता के दुग्ध से पोषित हो रहा है उसे जब प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है तो उसे हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। वह संस्कार किस क्रिया से संपन्न होता है? पहले हम गणेश मातृका, षोडश मातृका, नांदी श्राद्ध इत्यादि पूजन करके वो क्रिया संपन्न करते हैं। तत्पश्चात भगवान के नामों के द्वारा जो है विविध मिठाइयां बनाई जाती है, घृत पायस और मधु के द्वारा मिश्रित जो कुछ मिठाइयां होती है वो विशेष रूप से प्रयोग में लेकर के, और घर के बुजुर्ग पिता अथवा बूढ़े दादाजी या इत्यादि जो भी है वो उस बच्चे को मंत्र के माध्यम से उस बच्चे को जो है अन्न खिलाते हैं, और उस संस्कार को हम क्या है अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। उसके विषय में कहा गया है कि जन्म तो मासी षष्ठे स्यात् सौरणे सौरणो तम मन्नदम तद भावेष्टमी मासे नवमी दशमी पिवा। यहां कहा गया है, तिथि के विषय में भी कहा गया है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी, पूर्णिमा। वार हम ले सकते हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये वार हम प्रयुक्त कर सकते हैं। नक्षत्र के विषय में यहाँ बताया गया है कि अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरात्रय, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, ये हम जो है नक्षत्र प्रयोग में ले सकते हैं। मास जन्म से 6, 7, 8, 9, 10 और 12, यानी 6 मास के पश्चात ये मास हम प्रयुक्त में ले सकते हैं अन्नप्राशन संस्कार के लिए, यानी पहली बार उसे अन्न खिलाने के लिए या तो 6वें मास में या 7वें या 8वें या 9वें 10वें या 12वें मास में हम क्या करते हैं यह जो संस्कार है संपादित करते हैं। पुत्र के लिए 6ष्ठ और 8ष्टम, कन्या के लिए 5ष्ठ और 7ष्ठम, ये कहा गया है। विशेष रूप से विधि विधान से अन्नप्राशन वाले दिन सर्वप्रथम हमें यज्ञीय भोजन के पदार्थ, गणेश मातृका, नांदी श्राद्ध, पुण्याहवाचन, नवग्रह आदि जो पूजन है वो हमें संपादित करना चाहिए। उसके बाद में मंत्रों के माध्यम से उन पकवानों को आप बनाएं, भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए घर में बड़े हर्षोल्लास के साथ में जो पकवान बनाएं। मधु घृत पायस से बालक को प्रथम कौल यानी प्रथम जो ग्रास है पिता अथवा घर के बुजुर्ग द्वारा यह जो है संपादित करना चाहिए। उसका मंत्र यह है, ओम अन्नपाते नस्यानो देज्जानामि वश्याश्कमीनाः प्रप्रदातारंता रीख ऊर्गाते नस्यानो देज्जानामि वश्याश्कमीनाः प्रप्रदातारंता रीख ऊर्जन्नो धेहि द्विपादे चातुक पादे। अन्नप्राशन संस्कार का उपांग कर्म है जीविका निर्धारण, ठीक है ना। शास्त्रों के अनुसार अन्नप्राशन पूर्ण होने के बाद बाल के सामने पुस्तक, शस्त्र, लेखनी, वस्त्र, अन्न तथा शिल्प की वस्तुएं उसके सामने रख दी जाती है। तत्पश्चात माता अपनी गोद से उस बालक को उतारकर उसे उन वस्तुओं को दिखाती है। बालक अपनी स्वेच्छा से जिस भी वस्तु का स्पर्श या ग्रहण करता है उसे उसी के अनुसार बालक की हम क्या करते हैं जीविका निर्धारण की एक विधि जो है हम उपयोग में लेते हैं, यह विधि बताई गई है। उचित एवं सटीक ज्ञान समय के साथ ज्योतिष एवं मनोविज्ञान की सहायता से भी हम यह कार्य कर सकते हैं। अंत में देवताओं का विसर्जन इत्यादि करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और जितना हो उतना हमें दान इत्यादि भी कार्य जो है संपादित करना चाहिए। जय सीताराम। इसी प्रकार से अनेकों प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए निरंतर इस चैनल पर बने रहिए। अनेकों प्रकार की जानकारियां मैं आप सभी तक प्रेषित करूंगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी तक पहुंचाइए, ताकि हमारे संस्कार, हमारे सनातन संस्कृति के बारे में सभी को जानकारी हो। जय श्री सीताराम।